क्लास, वेलकम बैक टू योर मैथ्स क्लास। एंड यस 3.2, आई रिमेम्बर वी हैव टू डू एक्सरसाइज 3.2 कर भी रहे थे, और भाई 3.2 में क्वेश्चन नंबर 7 तक डिस्कस कर लिया था, राइट? 1-7 डिस्कस कर लिया था। भाई ये तो बड़ी गलत बात है, सारे क्वेश्चन मेरे से करा रहे हो, खुद भी कुछ कर लो भाई। ये नहीं हो पा रहा है कि बोल दे कि मैम एक क्वेश्चन आप स्किप कर दो, वी विल डू इट आवरसेल्फ। नहीं मैम, सारा कराओ, हम करेंगे, हैं? चलो भाई, तो जब ठीक है, जब सारा कराना है तो आज मैम कराएंगे क्वेश्चन नंबर एट एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 8 आज मैं कराऊंगी, ठीक है? अभी क्वेश्चन क्या है, थ्री पॉइंट टू क्वेश्चन नंबर 8। सो चलो शुरू करते हैं, राइट? आई एम गोइंग टू राइट द क्वेश्चन एंड यू नो व्हाई आई एम राइटिंग द क्वेश्चन, बिकॉज अभी कुछ बच्चों के पास बुक्स नहीं है, दे विल बी एबल टू राइट द क्वेश्चन फ्रॉम द बोर्ड। चलो, अ क्लॉथ मिल प्रोड्यूसेस दिस मच क्लॉथ इन अ मंथ, हाउ मच क्लॉथ विल इट प्रोड्यूस इन 78 मंथ। चल भाई करते हैं। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 8। So question number 8 goes like, a cloth mill produces 45337 meter, 45337 meter cloth in a month. Okay? Now, the next is, how much clothes will it produce in 78 month? How much clothes will it produce in 78 मंथ में कितना क्लोथ वो प्रोड्यूस करेगी? नाउ द क्वेश्चन इज, क्वेश्चन क्या है हमारा? क्वेश्चन इज वेरी सिंपल। दिस क्वेश्चन स्टेट्स दैट देयर इज अ क्लोथ मिल, एक क्लोथ मिल की बात हो रही है, वो इतना मीटर क्लोथ प्रोड्यूस कर रहा है एक मंथ में। क्लोथ मिल क्या होता है? वो एक इट्स अ फैक्ट्री सॉर्ट ऑफ थिंग, एंड वॉट हैपन इन दैट फैक्ट्री, वॉट दे डू, दे प्रोड्यूसेस द क्लोथ, वो क्लोथ खाली प्लेन कोरा कपड़ा वो प्रोड्यूस करते, लेटर ऑन दैट कपड़ा गॉट प्रिंट एंड डिजाइनिंग एंड गॉट स्टिच, ठीक है, थिंग्स लाइक दैट हैपन। तो एक कोरा कपड़ा वो प्रोड्यूस करते हैं, तो कितने मीटर कपड़ा एक मंथ में उसने प्रोड्यूस किया, कितना कपड़ा एक मंथ में प्रोड्यूस किया? सो ही दैट पर्टिकुलर मिल हैज प्रोड्यूस 45,337 मीटर ऑफ क्लोथ, 45,337 मीटर ऑफ क्लोथ दैट पर्टिकुलर मिल हैज प्रोड्यूस्ड इन वन मंथ, ठीक है? नाउ द क्वेश्चन इज, हाउ मच क्लोथ विल इट प्रोड्यूस इन 78 मंथ, कितना क्लोथ वो 78 मंथ में प्रोड्यूस करेगी? अभी देखो, हमेशा मैं यही समझाती हूँ, एक का दिया है, मल्टी का पूछ रहा है। अब आई एम टायर्ड ऑफ स्पीकिंग द सेम डायलॉग ईच एंड एवरी टाइम। वन मेल मतलब वन मंथ में इतना कपड़ा, दिस इज गिवन, 78 मंथ का पूछ रहा है, क्या करेंगे? एक का दिया है, मैनी का पूछ रहा है, वी विल मल्टीप्लाई, हम क्या करेंगे, हम मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है? ओके गाइस, चले भाई आगे, चले करें क्वेश्चन, ठीक है? तो अभी क्वेश्चन लिख लो, क्योंकि ये जगह बहुत कम पड़ती है क्वेश्चन कराने के लिए, तो क्वेश्चन लिख लो। आई विल इरेज द बोर्ड एंड विल डू द क्वेश्चन इन द नेक्स्ट पेज। चलो हो गया, राइट डाउन द क्वेश्चन फर्स्ट ऑफ ऑल। सो अ क्लोथ मिल प्रोड्यूसेस दिस मच मीटर ऑफ क्लोथ इन अ मंथ, हाउ मच क्लोथ विल इट प्रोड्यूस इन 78 मंथ। 78 मंथ में वो कितना क्लोथ क्या कर रही है, प्रोड्यूस कर रही है, हाँ बताओ।
ओके चले अभी लेट अस स्टार्ट. इरेज लेट मी इरेज द बोर्ड. अभी देखो जो क्लोथ था वो मीटर में है, मतलब लेंथ दी हुई है उस कपड़े की. क्या दी हुई है? लेंथ दी हुई है. ठीक है, लेट्स सी. ओके सो अ क्लोथ मेल प्रोड्यूसर दिस मच मीटर का. मीटर की बात हो रही है तो स्टेटमेंट किससे बनाएंगे? मीटर की बात हो रही है तो स्टेटमेंट बनाएंगे लेंथ से. लेंथ ऑफ क्लोथ प्रोड्यूस बाय मिल इन वन मंथ इक्वल्स टू, रिपीटिंग माय स्टेटमेंट, लेंथ ऑफ क्लोथ प्रोड्यूस्ड बाय फैक्ट्री और मिल इन वन मंथ इक्वल्स टू. सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 8. आई एम गोइंग टू डू द सॉल्यूशन. लेंथ ऑफ क्लोथ प्रोड्यूस्ड बाय, लेंथ ऑफ क्लोथ प्रोड्यूस्ड बाय, या चलो सिंपल रखते हैं, लेंथ ऑफ क्लोथ प्रोड्यूस्ड इन वन मंथ इक्वल्स टू प्रोड्यूस्ड इन वन मंथ इक्वल्स टू वन मंथ में कितना हुआ. ठीक है, नाउ द नेक्स्ट इज लेंथ ऑफ क्लोथ प्रोड्यूस्ड इन 78 मंथ इक्वल्स टू. वन मंथ का दिया है, 78 मंथ का पूछ रहा है. इट इज टू. वन मंथ में कितना है? 4537 मीटर. चलो इसको क्लियरली लिख दूं, दिख नहीं रहा होगा इधर. लेट मी राइट इट क्लियरली. 45337 इंटू 78. ठीक है भाई. अभी देखो वन मंथ में इतना, तो भाई 78 मंथ में कितना मल्टीप्लाई करेंगे? चलो मल्टीप्लाई करके देखते भी हैं कि हमारा आंसर आ कितना रहा है. ठीक है, सो चलो लेट अस मल्टीप्लाई नाउ. 45337 इंटू 78. चलो डू द मल्टीप्लीकेशन, एटलीस्ट डू द मल्टीप्लीकेशन योर सेल्फ. सारी चीजें मैम बता रहे हैं भाई, मल्टीप्लीकेशन खुद से करिए. डू योर मल्टीप्लीकेशन. Completed. Okay, class. चलो भाई start. Let us start with the ones place. Here we are having 8 7s are 56. So we'll write 6 here. We'll give 5 carry. 8 3s are 24 plus 5 29. ठीक है. 9 and give carry 2. 8 3s are 24 plus 2 25 26. 2. 8 5s are 40 plus 2 42. 4. 4 8s are 32 36. Put a cross here. Now 7 7s are 49. ठीक है. Give carry 4 here. 7 3s are 21 plus 4 25. Give carry 2. 7 3s are 21 plus 2 23. Give carry 2. 7 5s are 35. 7 3 7 4s are 28 29 30 31. Okay. Now let us do the addition. Now what we are going to do? We are going to add the numbers. Okay, let us do. Completed? चलो अभी add करो इसे. 6
ठीक है, हियर यू विल गेट 6 9 plus 9 8 6 5 1 plus 2 3 plus 2 5 1 6 7 plus 6 3. Okay, so this is the answer. ठीक है, this is the answer for this question. Fine. चलो करो, complete करो. Okay, do this question. So here you can see 35,36,286 meter of cloth it will produce in 78 months. ठीक है, so 35,36,286 meter of cloth mill will produce in 78 months. ठीक है, चलो डू दिस क्वेश्चन. ओके, चलो फाइन, आई एम गोइंग टू इरेज द बोर्ड सो दैट वी कैन डिस्कस द नेक्स्ट क्वेश्चन. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 कंटेन्स टू पार्ट. आई विल डू ओनली वन पार्ट, रेस्ट ऑफ द पार्ट यू विल डू योर सेल्फ. ठीक है, आई विल डू ओनली वन पार्ट ऑफ दैट क्वेश्चन. ठीक है, मैं खाली वन पार्ट करूंगी. वहां पे क्या है, फाइंड द कंटिन्यूड प्रोडक्ट एंड राइट द रिजल्ट्स इन वर्ड. लेट अस राइट द क्वेश्चन ऑल्सो. सो द क्वेश्चन इज, क्वेश्चन नंबर 9 इज फाइंड द प्रोडक्ट इन वर्ड्स एंड ओके सॉरी फाइंड द प्रोडक्ट, फाइंड द कंटिन्यूड प्रोडक्ट. आई हैव मस्ट हैव राइट, फाइंड द कंटिन्यूड प्रोडक्ट ओके एंड राइट द रिजल्ट्स इन वर्ड एंड राइट द रिजल्ट इन वर्ड. ओके, सो द क्वेश्चन इज 535,608,19. क्वेश्चन इज 535 मल्टीप्लाई 608 मल्टीप्लाई 19. अब कंटिन्यू प्रोडक्ट मतलब क्या, थ्री नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है. तो क्या करेंगे, पहले इन दो को मल्टीप्लाई करेंगे, जो आएगा उसमें लास्ट नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे. करिए, ये इस तरह का एग्जांपल क्वेश्चन वी हैव सॉल्व, है ना. सो डू दिस क्वेश्चन. चलो क्वेश्चन लिखो और करो इसे. ठीक है, क्वेश्चन. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू मल्टीप्लाई 535 and 608. चलो करो मल्टीप्लाई, सबसे पहले इन दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करिए. 535
Okay. So let us multiply. 8 5 is 40. 24 8 2 8 5 is 40 and plus 2 42. Put across here. अब यहाँ पे जीरो है तो बस जीरो इंक्रीज कर दीजिए. 1 2 3 0 ना ओनली. तो जीरो है तो 0 1 0 0 1 0 0 and 0 1 0. फाइन. या तो आप इस स्टेप को हटा भी सकते हो. नाउ मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट नंबर. नेक्स्ट वी आर हैविंग 6. नेक्स्ट वी हैव टू मल्टीप्लाई 6. कम ऑन मल्टीप्लाई. Multiply 6. What we will get? 3 2 1 0. Now do the addition. Do the addition. 40, we have written 0 here, give carry 4. 8 3s are 24 plus 4, 28, 2. Okay, fine, here I have written extra 2. Okay, so the answer will be 0, 8, 2, 5, 3 2 5 2 8 0 3 2 5 3 2 5 3 2 5 3 2 5 2 8 0. ठीक है. 3 2 5 2 8 0. ओके हियर अभी 19 बचा. वी विल मल्टीप्लाई द नंबर विद 19. सो 3 2 5 सच अ बिग नंबर. 2 8 0 मल्टीप्लाई करना है 19 से. करिए. सच अ बिग नंबर एंड नाउ यू हैव टू मल्टीप्लाई दिस नंबर विद 19. करें आगे. ओके लेट्स सॉल्व. 9 0 0, 9 8 72. ठीक है 72 तो कोई तो कैरी हुआ नहीं. विल राइट 2 हियर एंड विल गिव कैरी 7 हियर. 9 2 18. 18 प्लस 7 19 20 21 22 23 24 25. विल राइट 5 हियर. ठीक है. ओके नाउ 9 5 सर. ठीक है. तो हियर वी विल गेट what we will get. 9 3 are 27 plus 2 29. ठीक है. तो 2 9 2 7 5 2 0. पुट अक्रॉस. 1 0 0, 1 8 8, 1 2 2, 1 5 5 2 1 2 3 1 3. क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई किया था, 1 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आया, सेम नंबर हमारा आंसर आ जाता है. चलो भाई करो. चलो मल्टीप्लाई करिए इसको. मल्टीप्लाई 19 से किया हमने. And let's see what will be the what will be our answer. Okay.
स्टार्ट फ्रॉम द वंस प्लेस, 0, 2, 3, 0, 8, 8, then 1, and 3 plus 2, 5, 1, 6. चलिए, come on, do this question. I understand that these type of question are a bit लॉन्ग टू डू, ठीक है, थोड़ा सा टिपिकल हो जाते हैं कंटिन्यू प्रोडक्ट वाले क्वेश्चन, बट क्या कर सकते हैं, करना ही पड़ेगा. नाउ इसका जो बी पार्ट है, दिस इज हाउ, देखो क्या किया, पहले इन दो नंबर्स को मल्टीप्लाई किया, जो आया उसमें हमने 19 को मल्टीप्लाई कर दिया. एक चीज मैं क्लेरिफाई कर दूं यहाँ पे, बहुत सारे बच्चे आप में से ये हो सकता है सोचें कि मैम व्हाई वी हैव रिटन 608 डाउन. देखो मतलब ये हो सकता है कि आप बोलो कि मैम हमेशा तो आप बिग नंबर को ऊपर रखते हो, छोटे नंबर को नीचे कर रखते हो, बट आपको पता है कि मल्टीप्लीकेशन में इससे कोई डिफरेंस नहीं आता, दिस डजंट क्रिएट एनी डिफरेंस इन मल्टीप्लीकेशन, राइट. ठीक है, तो मल्टीप्लाई किया फिर ये आंसर आया. अब इसमें 19 मल्टीप्लाई किया तो हमारा ये आंसर आ गया, गॉट इट. चलो भाई ठीक है, इसको नोट डाउन करो, फिर एक क्वेश्चन और करेंगे आज के दिन के लिए. अभी वो क्वेश्चन करेंगे क्या, ज्यादा अच्छा है कि उस क्वेश्चन को हम समझेंगे. कंप्लीटेड, ओके नाउ गोइंग टू इरेज द बोर्ड. ठीक है, अच्छा ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 पे एक डिस्कशन कर लेते हैं. पहले क्वेश्चन नंबर 10 स्टेट्स दैट अ बस कैन कैरी 52 पैसेंजर इन अ ट्रिप. एक ट्रिप में जो एक बस है वो 52 पैसेंजर्स को कैरी कर रही है. एक बस है, ठीक है, अभी वो बस क्या कर रही है, एक ट्रिप में 52 पैसेंजर को कैरी कर रही है एक दिन में. ठीक है, अभी वो एक दिन में ना क्या कर रही है, 4 ट्रिप्स ले रही है. तो हर बार क्या हो रहा है, 52 पैसेंजर को बैठा के जा रही है. ठीक है, एक बस है, फिर से समझो, एक बस है वो एक दिन में क्या कर रही है, सॉरी एक बस है वो एक ट्रिप में, जब एक यहां से यहां तक वो आ रही है तो 52 पैसेंजर को ले रही है. अब एक दिन में वो 4 ऐसी ट्रिप्स ले रही है, 4 बार आ रही है, आ रही है, आ रही है, आ रही है. ठीक है, अच्छा अभी पूछा ये है कि तो वो 1 ईयर में कितने पैसेंजर्स को एक जगह से दूसरी जगह ड्रॉप करती होगी. सिंपल क्वेश्चन, ठीक है, तो अभी समझो इस बात को कि 52 ये तो एक दिन का हो गया ना. मतलब सपोज करो वो बस क्या कर रही है, इस पॉइंट से चल के यहां तक जा रही है और एक दिन में 4 बार वो जा रही है. एक दिन में 4 बार वो जा रही है, हर एक बार वो क्या कर रही है, 52 पैसेंजर्स को लेके जा रही है. अगर एक बार 52 पैसेंजर को लेके जा रही है और एक दिन में 4 बार जा रही है, तो वन डे में कितने पैसेंजर ट्रैवल कर रहे हैं. वन डे इक्वल्स टू हाउ मेनी पैसेंजर्स, चलो बताओ मुझे, अप्रोच लगाओ, करो क्वेश्चन, करो सारे क्वेश्चन, मैम नहीं कराएंगे, कुछ क्वेश्चंस खाली देखने में बड़े होते हैं बेटा. कितने आए, यस
52 इंटू 4 कर देंगे तो वी विल गेट 52 को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे टू 200 पैसेंजर एक दिन में। एक दिन में अगर एक दिन में 208 पैसेंजर हैं तो एक साल में 1 year इक्वल्स टू हाउ मेनी डे हाउ 365 डेज। सो इफ इन वन गो इट इज कैरिंग 208 पैसेंजर देन हाउ मेनी पैसेंजर विल इट कैरी इन अ ईयर इन 365। व्हाट यू विल डू नाउ यू विल मल्टीप्लाई दिस नंबर 208 विद 365। ठीक है व्हाट वी विल डू हियर से क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे कितने को 208 को एंड वी विल गेट अवर आंसर। नहीं आएगा आंसर क्या? हाँ चलो फिर से समझो। एक बस है वो यहां से चलो आई एम हैविंग एस्केप अभी एक बस है ये अब उसमें हो क्या रहा है यहां से यहां तक आ रही है वो। ठीक है एक बार जब आ रही है तो 52 पैसेंजर्स को बैठा के ला रही है। अब वो एक दिन में 1 2 3 4 चार राउंड ले रही है तो एक दिन का कितना हुआ उसका एक दिन में उसने कितना अप किया कितने पैसेंजर्स कैरी किए तो 52 को हमने 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो जब हमने 52 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो वी हैव गॉट 208 ना। ओके नाउ व्हेन वी हैव गॉट 208 मल्टीप्लाइंग दीज टू नंबर तो अब ये तो वन डे का आ गया ना कि भाई वो बस एक दिन में इतना ट्रैवल कर इतने पैसेंजर्स को ट्रैवल करा रही है एक दिन का आ गया। 365 डेज का निकालेंगे कैसे करेंगे मल्टीप्लाई वाई अभी एक दिन का दे दिया 365 का निकालना है। व्हाट यू विल डू व्हाट एल्स यू विल डू अदर देन मल्टीप्लीकेशन डू द मल्टीप्लीकेशन फाइंड आउट द आंसर। चलो आई विल नॉट मल्टीप्लाई यू विल ओनली मल्टीप्लाई एंड फाइंड आउट द आंसर। कंप्लीटेड what you have got I will write directly the answer only I will not show you the step this many passenger the bus will carry in the whole year. Now let us try to crack this question once again. एक बस है वो एक राउंड यहां से यहां ट्रेवल कर रही है एक बार जब आ रही चलो ठीक है छोड़ो भाई आपकी स्कूल बस होती है ना आपकी स्कूल बस क्या कर रही है आपकी स्कूल बस आपको फुलवरिया से पिक कर रही है स्कूल पे ड्रॉप करी ऐसा करके वो 52 टाइम 4 टाइम्स कर रही है एक दिन में। ठीक है प्रेयर के पहले वो 4 बार बच्चों को ला रही है यहाँ से उठा रही है वहां पे डाल रही है ऐसा कर रही है एक राउंड में 52 बच्चों को ले रही है तो एक दिन में कितना हुआ 208 साल में कितना हुआ 75,920 got it so class here we have completed this exercise now question number 11 you guys will do yourself I am not going to help you in question number 11 do it yourself and from the next class I will be starting division I'll try to start or we can take some more question of multiplication but I will start division chalo so bye